ମହିମା ହେଉ। ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ପ୍ରଭାତରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହେଉ, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଇବା ମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମୋର ତୁମଠାରେ, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମୋର ତୁମଠାରେ, ସ୍ଥିର ଜଳ ପାଶେ ନିଅ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ, ସ୍ଥିର ଜଳ ପାଶେ ନିଅ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ, ରୁହ ତୁମେ ମୋ ସାଥିରେ, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମୋର ତୁମଠାରେ, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମୋର ତୁମଠାରେ, ଜୀବନର କୃଷ ମୋର ତୁମେ ବହିନିଅ, ପୋଛି ଦେ ଓଟେ ହସ ଦିଅ, ଜୀବନର କୃଷ ମୋର ତୁମେ ବହିନିଅ, ଆଖି ଲୁହ ପୋଛି ଦେ ଓଟେ ହସ ଦିଅ, ଏପରି ପାଳକ ଏପରି ପ୍ରେମିକ, ଏପରି ପାଳକ ଏପରି ପ୍ରେମିକ କେହି ଅଛି ଜଗତରେ, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମୋର ତୁମଠାରେ, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମୋର ତୁମଠାରେ, ରହିଛି ମୋ ରହିଥିବେ ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ, ଆସୁ ଯେତେ ପ୍ରଳୋଭନ ଜଳ ଜୀବନରେ, ରହିଛି ମୋ ରହିଥିବେ ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ, ଆସୁ ଯେତେ ପ୍ରଳୋଭନ ଜଳ ଜୀବନରେ, ମୁଁ ଜାଣେ ଶେଷରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ମୁଁ ଜାଣେ ଶେଷରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ତୁମେ ଦେବ ସ୍ୱର୍ଗରେ, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମୋର ତୁମଠାରେ, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମୋର ତୁମଠାରେ, ସ୍ଥିର ଜଳ ପାଶେ ନିଅ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ, ସ୍ଥିର ଜଳ ପାଶେ ନିଅ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ, ରୁହ ତୁମେ ମୋ ସାଥିରେ, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମୋର ତୁମଠାରେ, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମୋର ତୁମଠାରେ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। थैंक यू ब्रदर। सो समय ऑलरेडी ज्यादा हो चुका है, इसलिए हम और ज्यादा समय
ना गवाएं, शिक्षा की ओर जाएंगे और अगले की ओर बढ़ेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे की समय प्रभु की दास के हाथ में देते हैं और प्रभु की जो शिक्षा के साथ हमको लीड करें। बाल थैंक यू, सदा थैंक यू, थैंक यू बस पास्टर, थैंक यू जुस्केतन भाई, छे गजेंद्र भाई, हाँ सुंदर गीत के लिए स्वागत। यस सर। आइए, हम सुन पा रहे हैं मुझे स्पष्ट साफ? यस सर, यस गुड गुड ग्रेट। सो आइए, आज के हम लोग साथ में जाएंगे और हम लोग आज ओके देख पा रहे हैं स्क्रीन। पिछले महीने हफ्ते मैंने पिछले 2 हफ्ता पहले एक हम लोगों ने सीखा था कि प्रिंसिपल नंबर 16 कि इंडिविजुअल और टीम बेस्ड लर्निंग, इंडिविजुअल और टीम बेस्ड लर्निंग जो है दोनों ही जरूरी है। सो एक असाइनमेंट आपको दिया गया था जिसमें कि आप ऐसे लीडर जो इंडिविजुअली रूप से फंक्शन कर रहे थे, व्यक्तिगत रूप से अगुवाई कर रहे थे और उन्होंने टीम में भी अगुवाई किया, और क्या आप कुछ अध्ययन किए हैं उसके बारे में, कैसा है? किसी ने कोई स्टडी किया उस बारे में, रिफ्लेक्शन कुछ शेयर करना चाहते हैं? मे भी 5 मिनट। बहुत से अगुवे हैं ना जो इंडिविजुअल रूप से भी काम किया उन्होंने और टीम में भी काम किया, दोनों में, दोनों 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 कॉन्टेक्स्ट में, दोनों संदर्भ में वे सक्सेसफुल थे। तो जैसे उदाहरण के लिए आप हम देखते हैं पॉल, अपोस्टल पॉल का उदाहरण हम देखते हैं, ये किस प्रकार से इंडिविजुअल रूप में काम किया, लेकिन हमने देखते हैं इसके बाद उसने टीम में भी काम किया ना, पॉल बर्नबास, पॉल सॉल, पॉल जॉन मार्क, है ना, ये सारे जो लीडर्स हैं उनके साथ उन्होंने काम किया। ओके सो अगर नहीं तो मे बी और क्या उदाहरण हम देख सकते हैं बाइबल में, पुराने नियम में, नए नियम में बहुत उदाहरण है ना जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से काम किया या व्यक्तिगत रूप से लीडरशिप किया और टीम टीम में भी उन्होंने लीडरशिप या सेवा किया। यस सर, पुराने में भी हम देखते हैं कि उन लोग जो व्यक्तिगत में भी उन लोग ऐसे दायित्व लिए थे और टीम के साथ भी काम किए। जी नहीं, मैं तो आप बोले कि पॉल लॉन्ग है जी, और वो भी ऐसी व्यक्तिगत जीवन में भी उसका था, उसके बाद उनके जो भाई लोगों के साथ भी सभा में आके प्रभु के राज्य के लिए बहुत कि अपने साथ उन लोगों को लेके प्रार्थना करते समय भी और कई प्रकार के कष्ट उठाए। बिल्कुल, उनका जो व्यक्तिगत जीवन में था वो व्यक्तिगत जीवन में भी प्रभु के लिए समर्पित थे और टीम के साथ यानी उनके जो भाई लोग के साथ भी वो सेवा को आगे बढ़ प्रभु की जो गवाही को साक्ष्य को पहुंचाए। या सो पॉल तिमिथी, पॉल बर्नबास, पॉल साइलस, जॉन मार्क, है ना, कई कई लोगों के साथ उसने टीम में भी वर्क किया। ओके गुड, और कोई और उदाहरण पुराने नियम में कोई? बहुत से उदाहरण है ना, अगर हम इब्राहिम का देखेंगे उदाहरण, इब्राहिम, लूत, है ना, इसके बाद कई बार उसने इंडिविजुअली भी परमेश्वर के पर्पस को आगे लेके गया। और कोई उदाहरण देख सकते हैं? एलियो सर, एलियो, वेरी गुड, एलिया, एलिया, जी हाँ, और एलिया तो इंडिविजुअल भी बहुत काम किया और किसके साथ काम किया एलिया, और कौन है, एलिसा, जी हाँ, एलिया, एलिस, एलाइजा, ना, दोनों दोनों ने मिलके भी काम किया। ओके गुड, और कोई उदाहरण? मोसेस, मोसेस, वेरी गुड, मोसेस इंडिविजुअल भी हम देखते हैं कि इंडिविजुअल उसने लीडरशिप किया, सेवा किया, परमेश्वर का उद्देश्य को आगे ले गया और टीम में भी काम किया। तो टीम में कौन कौन थे उसके टीम में? जोसुआ वेरी गुड, जोसुआ, और 70 elders, हाँ 70 elders वर्ड है, हाँ 70 elders थे,
देवर ट्वेल्व ट्वेल्व ट्राइब लीडर्स भी थे ना, जिसमें जोशुआ कालेब और अन्य लोग भी थे ना, सो मेनी टाइम एवन हारून भी है. सो वी सी इंडिविजुअल कॉन्टेक्स में भी लोग लीडरशिप करते हैं, सेवा करते हैं, और टीम में भी वर्क कर रहे हैं ना. तो हम देखते हैं कि दोनों कॉन्टेक्स्ट जरूरी है. कई बार एज अ लीडर हमको लीड लेना है, कई बार हम इंतजार नहीं कर सकते कि लोग हमारे संग आएंगे, लेकिन कई बार ज्यादातर हम देखते हैं कि हम टीम में भी काम कर सकते हैं. सो बोथ कॉन्टेक्स्ट आर इम्पोर्टेंट, बोथ हैज टू बी बैलेंस, दोनों को बैलेंस करना. गुड, ऑल गुड. डन Samson worked individually. Yeah, Samson was individual, worked. Yeah, he never in fact worked in a team, isn't it? Not really, actually. How about David? David, ke Daud ke baare mein? No, Daud ke baare, wo akela hi karta tha, aur baad mein wo apne team ko saath mein leke. Yeah. So is mighty man, mighty team, and right? mighty men. Yes, yes, sir. So then he was leading 600 plus people. So yeah, so देखते हैं David, of course he started मतलब single उसने started किया, लेकिन अंत में उसके पास एक team है कि नहीं? How about Jesus, यीशु मसीह और उसके चेले? प्रभु यीशु पहले शुरू किया अकेले में, और बाद में जो disciples सब को बुला लिए, और बाद में उनके disciples से disciples. Wow. वो भी टीम में बहुत. Yeah. Even यीशु मसीह एक महान एग्जाम्पल है कि इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट में भी उन्होंने सेवा किया, परमेश्वर का उद्देश्य को आगे ले गया, लेकिन एक टीम कॉन्टेक्स्ट में भी उन्होंने काम किया. दोनों हम देखते हैं, दोनों जरूरी है. एज अ लीडर हमको कई बार व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ना है, और लेकिन कई बार हम एज अ टीम भी वर्क कर सकते हैं. वाओ, सो अच्छा है ना ये जो प्रिंसिपल जो हम सीख रहे हैं कि ये बहुत इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट और टीम कॉन्टेक्स्ट दोनों दोनों जरूरी है, दोनों बैलेंस होना चाहिए. वाह, मे भी समय आपको मिलेगा तो मे भी साथ आप और भी अध्ययन कर सकते हैं. नाउ हम लोग आज अगले उसमें जाएंगे, अगले जो प्रिंसिपल नंबर 18 है. ओके, सो 18वां नंबर प्रिंसिपल ये है, इफेक्टिव लीडर डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंशियल कॉलेज. ठीक है, सो आप में से कितने लोगों ने कभी बिरयानी खाया, या कोई या आपने मटन करी या चिकन करी खाया है? सबने खाया. ओके, सो क्यों क्यों मटन करी, चिकन करी या बिरयानी क्यों इतना टेस्टी क्यों है, कभी सोचा आपने? सोचे हैं, कई प्रकार की मसलाएं और बनाने के तरीका थोड़ा सबसे अलग रहता है. जी जी, इसलिए बहुत सारे जो बनाने की मसलाएं हैं और तरीके हैं, उसके लिए बहुत मिलावट रहता है, उसलिए वो थोड़ा टेस्टी. जी, इसलिए करी या बिरयानी जो भी हो इसलिए टेस्टी, क्योंकि इसमें कई इंग्रेडिएंट है ना, इसमें कई प्रकार के मसाला जो है मिक्स है. अगर क्या होगा अगर हम एक एक ही मसाला डालेंगे, एक प्रकार का मसाला डालेंगे, क्या होगा? क्या वो इतना इंटरेस्टिंग होगा? नहीं, उतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा. इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता ना. सो इसी प्रकार से जिस प्रकार से विभिन्न इंग्रेडिएंट है, विभिन्न जो तत्व है, या जो जो मसाला मसाला है, एक खाने का जो है टेस्ट है, और उसका जो 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 हेल्थ है वो बहुत गुना बढ़ा देता है ना. उसी प्रकार से लीडर डेवलपमेंट में डेवलप अगुओं को तैयार करने के लिए भी विभिन्न प्रकार का अनुभव जरूरी है, और इसको हम एक्चुअली कोलाज बोलते हैं. आप हिंदी में हम कह सकते हैं एक मसाला के रूप में ना, विभिन्न प्रकार का मसाला जिस जो एक अगुओं को निर्माण के लिए और इफेक्टिव लीडरशिप के लिए दोनों जरूरी है. सो ओके, सो कई बार हम देखते हैं कि ऐसा लगता है कि लीडर डेवलपमेंट जो है बहुत ही सिंपल है, और क्या नाम है, बहुत ही सरल अब है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है. लीडर जो डेवलपमेंट है, अगुओं को निर्माण करना या अगुवाई विकास जो है, वो एक्चुअली एक कई बार बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत जटिल है, कई बार बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है, है ना. कई बार कई अनुभव से, कई प्रकार के मसाला मसाला जो है अनुभव से जो है मिलकर बनता है, और इसमें कहते हैं कि कई प्रकार का जो है इंग्रेडिएंट, या कई प्रकार के जो
फैक्टर्स जो है इन्वॉल्व है, जिसमें कि कई विभिन्न प्रकार के लोग हैं, है ना, लोगों के संबंध है, विभिन्न प्रकार का इन्फ्लुएंस प्रभाव है, कई प्रकार के कार्य असाइनमेंट्स हैं, जिम्मेदारियां हैं और कर्तव्य है, कुछ डेडलाइंस हैं, क्या अवसर आपके पास है, दबाव है, संकट है, आशीषें हैं, सफरिंग है ना, कई बार रिजेक्शन भी है, कई बार सक्सेस है, कई बार मिस्टेक है, और ये सारे बातें मिलकर क्या करती है, एक अगो को निर्माण करती है ना। रोमन्स 8:28 में क्या कहता है, रोमियो 8:28 कोई पढ़ लेंगे, रोमन्स 8:28। जो मैंने ईश्वर को प्रेम करती, जो मैंने ताहा संकल्प अनुसार आहूत होती, ईश्वर जे समस्त विषय से मंगल साधन करती, ये आम्भे मैंने जान। आमीन। सो पॉल यही कहना चाह रहा है, पॉल अपना अपने लाइफ में कह रहा है कि हमारे जीवन में कितना भी प्रेशर है, कितना भी समस्याएं हैं, कितने भी चैलेंजेस है, कितना भी दुख है, कष्ट है ना, परिस्थितियां हैं, सब बातें मिलकर क्या करती है, परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन में जो है आगे बढ़ाती है, हमारे परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन में अकम्प्लिश करती है। तो इसी प्रकार से लीडर डेवलपमेंट में भी है, लीडर डेवलपमेंट में इजी नहीं है, सब कुछ जैसा हम प्लान करते हैं वैसा ही नहीं होगा, कई बार कई चीजें जो अंतर लेके आती है, इसलिए हमें जब हम लीडर डेवलपमेंट को लेते हैं, हमको एक खुले माइंड से और ये सारी जो है रियलिटीज को जो है हमको जानते हुए हमको लीडर डेवलपमेंट के जो है जर्नी में आगे बढ़ना है, ठीक है। सो एक लीडर जिसको हम निर्माण कर रहे हैं, कई बातें उसके जीवन में प्रभाव लाती है, इसलिए हम इन सारी बातों को फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं हम आगे बढ़ सकते हैं। नाउ जो हमने कहा कि कई बार जो हम सोचते हैं कि चलो एक लीडर डेवलपमेंट, अगर हम अगुओं को विकास नेतृत्व विकास के विषय में बातचीत करते हैं, हम सोचते हैं कि उनको चलिए एक सीरीज ऑफ कोर्स उनको दे देंगे या उनको कुछ टीचिंग दे देंगे, है ना। लेकिन कई बार ये इस प्रकार का लीडर डेवलपमेंट एक्चुअली नहीं है। लीडर डेवलपमेंट जो है कई बार एक जटिल प्रक्रिया है और कई बार जो है कुछ ऐसे कई अनुभव से एक अगुआ जो है गुजरता है, और इन सब परिस्थितियों में कठिनाइयों में जैसे हमने ऑलरेडी बातचीत किया, जब वो गुजरता है ये एक अगुवे को एक्चुअली मजबूर करता है या उसको सहायता करता है कि वो परमेश्वर पर सभी बातों के लिए क्या हो, निर्भर हो जाए, उसका जीवन, उसकी सेवकाई, उसका लीडरशिप, ये एक डिपेंडेंस तो परमेश्वर पर निर्भरता जो है उनके जीवन में निर्माण करता है। ऑफकोर्स क्योंकि अगर सब कुछ आसान है वो अपनी समझ से कर सकता है, सब कुछ आसान है वो अपने जैसे उसने प्लान किया, परमेश्वर की जरूरत नहीं है, लेकिन लीडर डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स एक जटिल प्रक्रिया है, और इस जितना जटिल यह है ये हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना सिखाता है, और ये ही है लीडर डेवलपमेंट एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में हमारा परमेश्वर पर निर्भरता होता है, क्योंकि कई ऐसे फैक्टर्स है जो इसमें हमारा कंट्रोल नहीं है लेकिन परमेश्वर नियंत्रण में है और हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। सो इन जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं ना, छोटा बच्चा क्या कर रहा है, वो अपने डैडी के ऊपर निर्भर है, उसका उसका जीवन उसका उसका सब कुछ उसके डैडी पे निर्भर है। सो इसी प्रकार से हम भी जब हम लीडर डेवलपमेंट के इस यात्रा में इस बड़े कार्यों में हम लगे हुए हैं, हमारे अगुओं का हम निर्माण कर रहे हैं, डिसाइपलशिप हम कर रहे हैं, हमारे कलीसियाओं की हम अगुवाई करते हैं, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि दिन के अंत में एक्चुअली हम परमेश्वर पर ही निर्भर है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ नियंत्रण करता है, और कई चीजें शायद इतना सुंदर और नीट नहीं दिखाई देता हमारा लीडरशिप में अगुवाई में, बट एट द एंड ऑफ द डे वी नो वी कैन ट्रस्ट गॉड, नो हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं, उस पर निर्भर हो सकते हैं। सो दैट्स द स्पिरिचुअल रियलिटी, है ना, परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना ये बहुत ही एक एसेंशियल जो है जरूरी बात है। ओके, नाउ आइए हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो एक ट्रेडिशनल करिकुलम है और लीडर डेवलपमेंट कॉलेज है, लीडर डेवलपमेंट जो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस है, कैसे क्या दोनों में जो है
अंतर है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल जो करिकुलम है, जो परंपरागत जो शिक्षाएं हैं या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं या जो भी स्कूल्स हैं, उसमें क्या है, ज्यादातर हम देखेंगे कि टीचर ओरिएंटेड है। मतलब ये सब कुछ टीचर पर निर्भर है, टीचर कितना एक्सपर्ट है, टीचर के पास कितना अनुभव है ना, टीचर कितना इफेक्टिव है, वो कितना गिफ्टेड है, ये सारी क्या है, इसका जो मेन हीरो कौन है ट्रेडिशनल करिकुलम में, टीचर है ना, शिक्षक है। लेकिन कोलाज में देखिए, जो लर्निंग कोलाज है, लीडर डेवलपमेंट लर्निंग कोलाज है, उसमें देखिए हम देखते हैं ये लर्नर लर्नर ओरिएंटेड, इसमें सीखने वाला उसके ऊपर फोकस है, वो हीरो है, वो मेन पर्सन है ना, उसके 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 चार और पिक्चर जो है घूमता है ना, बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल अलग है ना। सो कोलाज में ये है। ओके, ट्रेडिशनल में हम देखेंगे ये टाइम बाउंड है, इसमें इस समय पे हमारा सेमेस्टर खत्म होना चाहिए, इस समय पे हमारा ये चैप्टर खत्म होना चाहिए। लेकिन कोलाज में देखिए ये फ्लेक्सिबल है, इसमें हो सकता है कि एक ही टॉपिक में आप बहुत ज्यादा समय, जैसे परमेश्वर अगुवाई करता, आप जा सकते हैं, आप डीप जा सकते हैं। सो ऑफकोर्स हमारे पास प्लान है, लेकिन बट वी आर स्टिल ओपन टू गॉड्स लीडिंग, परमेश्वर की हम अगुवाई पर निर्भर है। और कभी कभी परमेश्वर का आत्मा में एक टॉपिक पे, एक लर्निंग एक्सपीरियंस में हम डीप हम जा सकते हैं, और कई बार हम सेवरल वीक्स या सेवरल डेज हम उसमें बिता सकते हैं। इट्स अ फ्लेक्सिबल, तो ये एक लचीला जो है पन है यहाँ पर। ट्रेडिशनल कॉलिकुलम में आप देखेंगे ये सिक्वेंशियल है, मतलब इसको इसमें सब एक के बाद एक, एक के बाद बहुत ही सिस्टमेटिक है, सिक्वेंशियल है ना। लेकिन फलाग में हम देखेंगे डायनेमिक है, इसमें ऑफकोर्स हमारे पास योजनाएं है, सिस्टमेटिक है, लेकिन हम परमेश्वर को भी इसमें शामिल करते हैं। और इसमें कई बार हम कुछ चीजें ऐसा भी है ऑन द स्पॉट कि परमेश्वर हमें अगुवाई करता है, हम उस चीज को भी जो है उसमें शामिल करते हैं। सर हमने पहले नहीं सोचा होगा, लेकिन मे बी ऑन द स्पॉट परमेश्वर हमको कोई नया आइडिया देता है या कुछ नया रेवलेशन देता है या नया कुछ हम लर्निंग होता है, तो इसके लिए भी हम जो है एक जो है हम खुले हुए हैं। और ये इसलिए डायनामिक है क्योंकि परमेश्वरी फैक्टर इसमें इन्वॉल्व है। ओके, ट्रेडिशनल करिकुलम में हम देखते हैं ये क्लासरूम में हो रहा है, क्या होता है, एक सिस्टमेटिक क्लासरूम है, वहां पर मे बी 9 to 5 क्लासरूम है, और जो है, लेकिन कोलाज में हम देखते हैं कि ये फील्ड बेस्ड है, इसका ज्यादातर फिगर्स क्या, हमारा जो डे टू डे एक्सपीरियंस को हम इसमें हम हमारा हमारा जो है महत्वपूर्ण है, हमारे जो है हम लर्निंग ऑन जॉब, हम काम करते हुए सीखना है ना, इसमें इसमें महत्वपूर्ण है। तो ये ना सिर्फ क्लासरूम में है, लेकिन इसके बाहर भी देखते हैं फील्ड जो बेस भी है, इस अनुभव भी मायने रखता है। ओके, सो ट्रेडिशनल करिकुलम में हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं टीचिंग लेक्चर्स है ना, इसमें क्या है, जो हमारा ज्यादातर जो मेथोडोलॉजी है, तरीका है सिखाने का, वो क्या है, लेक्चर्स देना है ना, या पर्टिकुलर जो टीचिंग देना है ना। लेकिन कोलाज में हम देखते हैं कि इसमें क्या है, इसमें टीचिंग है, मेंटरिंग है, कोचिंग है ना, ये सारे जो है जो तरीके हैं उसमें इन्वॉल्व है। तो काफी ये कॉम्प्रिहेंसिव है। ओके, नेक्स्ट जो है ट्रेडिशनल करिकुलम में हम देखते हैं टेक्स्ट बुक्स से संबंधित है, इसमें एक पर्टिकुलर बुक आप फॉलो करते हैं ना, एक हो सकता है पर्टिकुलर राइटर का बुक होगा और उसको हम फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कोलाज में हम देखते हैं ये एक्सपीरियंशियल है, ये हमारे अनुभव के, ऑफकोर्स बुक्स भी होंगे, लेकिन ये हमारे सोली बुक पे निर्भर नहीं है, लेकिन हमारे अनुभव पे भी निर्भर है, हम क्या सीख रहे हैं, क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, परमेश्वर हमको क्या कह रहा है, ये सारी बातें भी जो है ये कोलाज के उसमें जो है शामिल होती है। ट्रेडिशनल करिकुलम में नेक्स्ट हम देखेंगे प्रीडिटरमाइंड है, इसको हम पहले से ही निर्धारित करते हैं कि हमें क्या पढ़ाना है, क्या हम सीखेंगे आज ना। लेकिन कोलाज में हम देखते हैं कि कंटिन्यूली इसमें हो सकता है हमारे पास प्लान होगा, लेकिन कई बार हम इसको सफल भी कर सकते हैं, हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, हमारा नीड क्या है, हो सकता है कि आज आज जो हमने तैयारी किया है उसके उसके विपरीत कॉन्टेक्स्ट है, तो हम जो कॉन्टेक्स्ट जो जरूरत है नीड है जो हम सेंस कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं उसको भी हम जो है उस हिसाब से भी हम लोग हमारा रिस्ट्रक्चर करते हैं हमारा टीचिंग को। एंड देन ट्रेडिशनल करिकुलम में हम देखते हैं ये सेफ है, ये बहुत ही क्योंकि एक बहुत सिस्टमेटिक है, ये सेफ है। लेकिन कोलाज में हम देखेंगे ये वॉलेटाइल है, मतलब ये बहुत ही इसमें खतरा भी है, इसमें अनसर्टेनिटीज है ना, तो ये बहुत जैसे बोलेंगे कि बहुत ही ज्यादा स्थिर नहीं है, लेकिन लेकिन
लेकिन ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है और इसलिए ये तो आप देख रहे हैं कि आपका आपका विचार क्या है। तो आप दोनों जो दोनों तरीकों को तुलना करेंगे आप क्या पाएंगे, ट्रेडिशनल करिकुलम में और कोलाज जो हमारा जो तरीके में क्या क्या आप अंतर देख रहे हैं? आपका आपका इनपुट जब हम यीशु मसीह का जो लीडर डेवलपमेंट मॉडल हम देखते हैं, हम क्या पाते हैं, कौन सा ज्यादा था, ट्रेडिशनल तरीका था या कोलाज तरीका था? क्या सोचते हैं? प्रभु यीशु मसीह का जो शिष्य बनाने का तरीका वो ट्रेडिशनल नहीं था, बिल्कुल जी वो कलाज कलाज था, कलाज था, उसमें विभिन्न अनुभव विभिन्न है कि नहीं जो हमने अभी देखा, विभिन्न जो कॉन्टेक्स्ट जो है उसमें शामिल थे। ओके, और भी हम जो लीडर डेवलपमेंट देखते हैं बाइबल में, हम क्या पाते हैं, क्या ज्यादातर ट्रेडिशनल है या कलाज है? अभी अगर हम देखेंगे नए नियम में तो जो नए नियम की प्रभु के दास लोग है, प्रेरित पॉल है और बाकी लोग भी है, वो भी है जो ट्रेडिशनल के रूप में नहीं किए, उन लोगों को भी कलाज के तौर पर हम देखते हैं। जी, ऑफ कोर्स अपोस्टल पॉल देखते हैं कि वो ट्रेडिशनल तरीके से वो बिल्ट हुआ ना, लेकिन हम देखते हैं उसका जो 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 मॉडल है लीडर डेवलपमेंट का, चाहे तिमोथी हो या अन्य लोग हो, उनके टाइटस हो या अन्य लोग उनके, उसका बहुत ही डायनेमिक था, लेकिन बहुत ही कोलाज है, विभिन्न अनुभव से, विभिन्न विभिन्न जो इनपुट्स है, विभिन्न परिस्थितियां, इन सारी बातों से एक्चुअली देखते हैं कि उसने जो है अपने चेलों को या अपने जो फॉलोअर्स उसको बिल्ड किया है कि नहीं। गुड, और कोई उदाहरण? अगर हम इस तरीके से इवेल्युएट करते हैं लीडरशिप को, ट्रेडिशनल तरीका या कोलाज से, क्या पाते हैं मेजोरिटी, क्या पाएंगे आप? कॉलेज के बारे में मेजोरिटी पाएंगे, क्योंकि ट्रेडिशनल में टीचर ही और टाइम और ये जो सेक्वेंशियल ये ही रहता है, लेकिन कॉलेज में क्या है लीडर का लर्निंग ओरिएंटेड फ्लेक्सिबल डायनेमिक ये सब रहता है, अभी वो भी देख पा रहे हैं। Exactly. मैं सोचता हूँ कि बहुत हम देखते हैं कि थ्रू आउट द बाइबल पुराने और नए नियम में हम देखेंगे एक्चुअली ज्यादातर जो जो सेंट्रलिटी है या ज्यादा जो 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 ज्यादा बोल सकते हैं बहुत ही ज्यादा जो प्रभाव हम देखते हैं कोलाज का, क्योंकि एक एक लर्निंग एक सिंपल एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं है ना, ये बहुत प्रकार से मसाला है ना, जिसको हम कोलाज बोल रहे हैं, मसाला है जिससे कि जो अगुए निर्माण होते हैं। तो इवन थ्रू द बाइबल हम देखते हैं कि सारी चीजें, चाहे मोसेस ने जोशुआ को बिल्ड किया और 70 लीडर्स हैं, कई लोग जिनके नाम हमने अभी लिए हैं, देखते हैं कि वो एक एक सिस्टमैटिक और बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल तरीके से बिल्ड नहीं हुए, वे एक्चुअली लाइफ के विभिन्न विभिन्न अनुभव से, विभिन्न परिस्थितियों से, विभिन्न चैलेंजेस से, है ना, विभिन्न खतरों से, विभिन्न रिस्क के, विभिन्न प्रेशर से जो है बिल्ड हुए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि लीडर डेवलपमेंट एक सिंपल फॉर्मूला नहीं है, ये एक विभिन्न प्रकार का जो है मिश्रण है, मसाला है, कोलाज है, ठीक है। सो आप देख पा रहे हैं ना, पुराने नियम दोनों नए नियम में इस प्रकार से जो एक्चुअली हेल्दी लीडर डेवलपमेंट जो है वो एक्चुअली एक कोलाज है, कलेक्शन ऑफ कोलाजेस है ना, विभिन्न अनुभव है, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां हैं प्रकार से। ग्रेट, थैंक यू। ओके, सो जैसा हमने कहा कि ट्रेडिशनल तरीका पर्याप्त नहीं है, हमें उसके बाहर भी देखना पड़ेगा। इनफैक्ट बाइबल हमें बताती है कि जो भी अगुवाई निर्माण का कार्य है वो बहुत सरल सिंपल सिस्टमेटिक नहीं है, वो बहुत ही क्या नाम है, कई बार मैसी है, कई बार बहुत ही जो है पेनफुल है, कई बार चैलेंजेस है, लेकिन इन सारे बातों के बावजूद जो है क्या हुआ, लोगों का लाइफ हो, लोगों का जो है या उनका लीडरशिप है,
ये इसी प्रकार से एक एक प्रकार से मसाला के रूप में ही जो है निर्माण होता है. ओके सो ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि हम ट्रेडिशनल जो अप्रोच को हम एक्चुअली कंडेम कर रहे हैं या उसको कह रहे हैं वो जरूरी नहीं है. कई कॉन्टेक्स्ट में जरूरी है लेकिन हम कहते हैं कि ओवरऑल बड़ा पिक्चर में हम सोचते हैं कि जो जो रियलिटी है कि लीडर डेवलपमेंट जो है ये एक एक प्रकार से मसाला का जो अनुभव है वो ज्यादा जो है प्रभावशाली है. ओके सो बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने भी क्या किया, कई बार इंटेंशनल डिजाइन किया. सो आप बता सकते हैं कि कब बाइबल में क्या हम डिजाइन के बारे में देखते हैं जहां परमेश्वर ने कोई ऐसा डिजाइन बताया किया है. परमेश्वर ने एक जानबूझकर ऐसा डिजाइन डिजाइन तैयार किया. सो उदाहरण के लिए परमेश्वर ने जब मिला पाला तंबू के लिए है ना मूसा को दिया उस पर्वत पर परमेश्वर ने प्रकट किया तो ये वो परमेश्वर का क्या था, एक इंटेंशनल डिजाइन था कि इस प्रकार से एग्जैक्टली कितना लंबा होगा, कितना चौड़ा होगा, कहाँ पे आंगन होगा, कहाँ पे जो है मिलाप का तंबू होगा, कहाँ पे संदूक रखा जाएगा, सारे एग्जैक्टली हम देखते हैं जो डिजाइन या जो स्ट्रक्चर जो है इंस्ट्रक्शन परमेश्वर ने दी. और कहीं हम देखते हैं जहाँ परमेश्वर ने लोगों को नक्शा बताया या डिजाइन बताया एग्जैक्टली ऐसा होना चाहिए. सर जी सर वो जब नौ के समय एग्जैक्टली जी जहाज बनाते समय परमेश्वर डायरेक्ट नौ के साथ बात किया और ये सब कुछ प्लानिंग उनको बता दिया ऐसे बनाना है ऐसा करना है और जो सूची जो पशु और पशी थे उन लोगों को कैसे लेना है उनको कैसे रखना है सब कुछ उनको योजना दी थी परमेश्वर. एग्जैक्टली नूह का जहाज एक उदाहरण है कि किस प्रकार से डिजाइन परमेश्वर ने सारा डिजाइन बताया कितना लंबाई कितना चौड़ाई कितना ऊंचाई क्या होगा क्या नहीं होगा सारी चीजें परमेश्वर ने जो है बताया. तो ये हम देखते हैं कि इवन परमेश्वर के लिए भी डिजाइन जो है वो महत्वपूर्ण है. ओके और कोई उदाहरण और नए नियम में तो देखते हैं कि डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि लोगों को उद्धार करने के लिए परमेश्वर के प्रेम की योजना तो था कि प्रभु यीशु मसीह अपने एकलौता बेटा को जगत के लिए भेजती और उसका जो क्रूस के बलिदान है और उसके बलिदान के ऊपर जो विश्वास भरोसा रखते हैं ये एक प्लानिंग के साथ अनंत प्लान के साथ मनुष्य जाति को उद्धार करने के लिए बहुत बड़ा जो सैक्रिफाइस है सर हमारे सर भी इसी मैसेज भेजे हैं और जो क्या बोलते हैं सैक्रिफाइस बलिदान चढ़ाते हैं जी 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 तो पुराने नियम में वो जो भेड़ बकरियों का चढ़ाते थे बिल्कुल बिल्कुल और वो उसका कभी खत्म नहीं होना था. एक बार आके प्रभु अनंत काल के लिए एक बलिदान बने प्रभु का ये योजना ये भी परमेश्वर की बहुत बड़ा योजना था. पहले परमेश्वर की योजना था कि सबको बोलते थे कि अपने पापों के लिए बलिदान चढ़ा लेकिन एक बार प्रभु मनुष्य के रूप में आ गए और अनंत काल के लिए बलिदान हो गए उसी बलिदान के द्वारा सारा जगत की मनुष्य को पूरा उद्धार कर लिया. आई मीन हाँ सो हम देखते हैं कि जो कुछ भी टेंपल में हो रहा है ना चाहे सोलोमन का टेंपल हो या उस जो मिलाप वाले तंबू का टेंपल हो है ना हम देखते एजेकेल ने जो दर्शन देखा वहां पे भी टेंपल में जो भी था वो पैटर्न था यीशु मसीह में जो है कंप्लीट हुआ है कि नहीं. सो हम देखते हैं कि इवन परमेश्वर जो है परमेश्वर के लिए डिजाइन जो है महत्वपूर्ण. इनफैक्ट इवन जो पॉल बातचीत करता है पॉल भी इस इमेज को इस्तेमाल करता है. पहला कुंथियो उसका 3:9 में कहता है यू आर गॉड्स बिल्डिंग तुम परमेश्वर का क्या हो भवन हो है ना. और पहला पढ़िए पहला कुंथियो 3:10 में भी देखिए कुंती 3:10 में भी वही बात को कह रहा है उस इमेज को है ना वो इस्तेमाल करता है. कारण आंभे माने ईश्वरों का सहकर्मी तुम्हें माने ईश्वरों का क्षेत्र ईश्वरों का गृह. जी हम देखते हैं इवन पॉल जब लिखता है कुंतियों की मंडली को वो इस इमेज को कि तुम परमेश्वर का क्या हो घर हो और जो है परमेश्वर का बिल्डिंग हो और परमेश्वर ने मुझे जिम्मेदारी दिया उस भवन को जो कि कलीसिया है उसको निर्माण करने के लिए है ना.
और हर एक लोग उसके ऊपर निर्माण करता है, लेकिन सावधानी से सावधान रहे कि किस प्रकार से वो निर्माण करता है। सो हम देखते हैं कि परमेश्वर, हाँ परमेश्वर बाइबल में हम देखते हैं संपूर्ण बाइबल में कि परमेश्वर के लिए जो डिजाइन वो काफी महत्वपूर्ण है। और यही बातें हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी ना, जब यीशु मसीह अपने चेलों को निर्माण कर रहा था उसने क्या किया, उसने एक ट्रांसफॉर्मेशनल जो है डिजाइन, ये जिसको हम फोर डायनेमिक्स कहते हैं, उन्होंने क्या किया उनके चेलों को निर्माण करने के लिए उपयोग किया, जिसमें हम स्पिरिचुअल है, रिलेशनल है, एक्सपीरियंशियल है और इंस्ट्रक्शनल है, और जिसके द्वारा उसने क्या किया उनका निर्माण किया। सो इसी प्रकार से हम भी अपने अगुओं को जब हम निर्माण करते हैं, हम भी ट्रांसफॉर्मेशनल जो है कोलाजेस को जो है निर्माण कर सकते हैं, जिससे हमारा निर्माण का जो अगुओं को निर्माण करने का प्रक्रिया बहुत ही जो है प्रभावशाली और फ्रूटफुल हो सकता है, यीशु मसीह से सीख सकते हैं। ओके, तो ऐसा करने के लिए हमें जो है आपके साथ मैं चार, ऑलरेडी आप कुछ तो फैमिलियर हैं लेकिन कुछ चीजें जो है हो सकता है आपके लिए नया भी होगा, चार हम कहते हैं फोर काइंड्स ऑफ लीडर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज, चार प्रकार का अगुओं को निर्माण करने का जो तरीका या रणनीति है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो पहला जो है वो है फाउंडेशनल लर्निंग कम्युनिटीज फॉर इमर्जिंग लीडर। तो ये उन अगुओं के लिए है जो अभी उभर रहे हैं, अगुओं के लिए ना। सो ये क्या होता है, इसमें जो है लोकल चर्च के साथ, स्थानीय कलीसिया के साथ हम लर्निंग एनवायरमेंट जो है क्रिएट करते हैं, जिसमें कि उनका होल पर्सन जो है फॉर्मेशन होगा, है ना, और जिसमें स्पिरिचुअल, रिलेशनल, एक्सपीरियंशियल, इंस्ट्रक्शनल डायनेमिक जो है इंटीग्रेटेड होगा। और इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो फाउंडेशन पर्पस है, जो हमारा फाउंडेशन बातें हैं, एक उभरते हुए अगुए में हम क्या कर रहे हैं, हम निर्माण कर रहे हैं। जैसे कि हम कह रहे हैं, हम याद है हमें, हम जो हमारा जो गोल क्या है, लीडर डेवलपमेंट का गोल क्या है, लीडर डेवलपमेंट का गोल क्या है, याद है, पांच बातें, फाइव सी है, फाइव सी, ऑफ कोर्स लीडर डेवलपमेंट का गोल हमारा क्या है, पांच बातें हैं, फाइव जो है सीज है ना, प्राइस, कम्युनिटी, कैरेक्टर, कॉलिंग एंड कॉम्पिटेंसी। सो एक नए अगुओं में, उभरते हुए अगुओं में हम क्या करते हैं, इन सारी बातों को उनके लाइफ में हम निर्माण करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम इन पांच बातों को निर्माण करेंगे तब उनका जो फाउंडेशन है क्या होगा, सही होगा, और इसके ऊपर आप जो है उनका लाइफ और उनका लीडरशिप जो है बिल्ड कर सकते हैं। सो क्या कर सकते हैं, मे बी 10 से 20 पार्टिसिपेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, एक साल का जो है आप उनके साथ समय बिता सकते हैं, और कई बार उनको जो उनके लर्निंग कम्युनिटीज में, लोकल चर्च में है, स्पिरिचुअल मदर्स फादर्स हैं, इंटरसेसर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, है ना, और इसके बाद आप एक्सपीरियंस मेंटर्स हैं, उनके साथ जो है उनको आप जो है इंगेज कर सकते हैं, उनके साथ वे बढ़ते हैं और लीडरशिप करते हैं, और इस प्रकार से इसके द्वारा अब एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है एक उभरते हुए अगुओं के जीवन में, उनके सेवकाई में, उनके अगुवाई में आप निर्माण कर सकते हैं। सो ये पहला जो स्ट्रेटेजी है, फाउंडेशनल लर्निंग कम्युनिटी फॉर इमर्जिंग लीडर्स, ठीक है, ये बहुत बेसिक है लेकिन ये फाउंडेशन जिसमें हम उनकी नींव पर, उनके बुनियादों पर, उनके जीवनों पर हम काम करते हैं और उनको हम एक तैयार करते हैं एक हेल्दी लीडर के रूप में। ओके, सेकंड जो है ये ऑनगोइंग लर्निंग कम्युनिटीज फॉर एग्जिस्टिंग लीडर्स, ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी लीडर्स हैं, है ना, और ये एक छोटे टीम में जो है रहते हैं और जो है एक जो है लीडर जो है के साथ जो है वे जुड़े रहते हैं, जिससे कि उनका जीवन और सेवकाई जो है निरंतर रूप से सीखता रहता है। सो इसमें भी हो सकता है एक साल या कई साल लग सकता है, और इसका जो फोकस है वो होलिस्टिक लीडर फॉर्मेशन है। इसमें जब जैसे हमने बातचीत किया कि उनके जो चार डायनेमिक्स है उसको इस्तेमाल करते हुए इस गोल को हम प्राप्त करते हैं। सो ऑनगोइंग लर्निंग कम्युनिटीज जो है एग्जिस्टिंग लीडर के लिए जो ऑलरेडी मिनिस्ट्री वर्क में है, इसमें क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, एडवांस डेवलपमेंट ऑफ लीडर्स लाइफ एंड मिनिस्ट्री, जिससे कि अगुए का जीवन और भी अधिक जो है एक नए स्तर में हो और भी बेहतर हो जो है इस प्रकार का अनुभव से उनको गुजरना है। तो ये उभरते हुए ऑलरेडी जो लीडरशिप में है, लीडर जो ऑलरेडी जो है अगुवाई पर अगुवाई अगुए में है, उनके साथ इस प्रकार का जो है लर्निंग कॉन्टेक्स्ट जो है लर्निंग कोलाज जो है
हम निर्माण कर सकते हैं। सो उदाहरण के लिए जैसे मैं आपके साथ वीकली करता हूं, तो ये क्या है, कौन सा स्टेज है? और स्निग्धा जो है फ्राइडे को करती है, जो सैटरडे को कर रही है ना, अब दोनों में अनुभव, दोनों में अंतर है? यस सर। क्या अंतर है? आप अंदर तो देखते हैं कि नहीं? जी जी स्निग्धा है भाई, सिस्टर में हम देखते हैं जो फर्स्ट पहला, जी और ये जो हम एवरी ट्यूजडे को देखते हैं, ये जो ऑनगोइंग लर्निंग जी जी हाँ। सो लीडर्स आपके साथ जो है, आपका इमर्जिंग लीडर के साथ भी इंगेज्ड है, फ्राइडे या सैटरडे जो भी समय आप मिलते हैं, वो एक्चुअली इमर्जिंग लीडर्स के लिए, यूथ्स के लिए है ना। और ऑफ कोर्स कई बार आप भी शामिल होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सेकंड हमारा लीडर्स उसका एंगेजमेंट है वो क्या है, जिसमें जिसमें ट्यूजडे को ट्यूजडे मिलते हैं, ये ऑलरेडी आप अगुए हैं, इसके साथ आप कैसे और आपकी अगुवाई में और बेहतर हो सकते हैं, एडवांस हो सकते हैं, इसलिए मेरा एंगेजमेंट आपके साथ है ना। तो ये आप देख पा रहे हैं ना, दोनों दोनों स्ट्रेटेजीज समझ पा रहे हैं? यस यस सर। जी जी ओके गुड ओके। थर्ड भी है जिसको हम बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग और सेवरल डेज ट्रेनिंग और सेवरल आवर्स भी। इसमें क्या हो रहा है कि जो ऑलरेडी पोजिशन में है, जिनके पास बड़ी जिम्मेदारियां हैं, जिनके पास इतना समय नहीं है लंबा समय तक क्या करने के लिए, समय देने के लिए, सो इसमें कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग्स होते हैं या एडवांस ट्रेनिंग हो सकते हैं या रिफ्रेशिंग ट्रेनिंग हो सकती है, जिसको टाइम टू टाइम हम करते हैं, है ना। और हमारे लीडर्स उसमें कई बार डॉक्टर मेलकम इस प्रकार का ट्रेनिंग करते हैं, वर्ल्ड वाइड लीडर्स के लिए करते हैं, इंडियन लीडर्स के लिए करते हैं, जिसमें कई बार आप लोग भी शामिल होता है। ये थर्ड स्ट्रेटेजी है उन लीडर्स के लिए जो व्यस्त है, जिनके पास समय नहीं है, क्या नाम है, लेकिन कुछ टाइम टू टाइम जो है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग उनके लिए भी जरूरी, ताकि वे और भी लीडर डेवलपमेंट के जो है, क्योंकि देखिए हर एक स्टेज में आगे तो बढ़ना है, कोई नहीं बोल सकता कि मैं पहुंच गया हूं ना। कोई लीडर कभी कह सकता है कि मैं पहुंच गया, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है? क्या होगा अगर लीडर बोलेगा मैं सब कुछ जानता हूं, मैंने सब कुछ सीख लिया है, अब मुझे जरूरत नहीं है, क्या होगा उस लीडर के साथ? ऐसे तो कोई बोल नहीं सकता कि मैं सब कुछ कोई बोल नहीं सकता, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जैसे हम सीख रहे हैं कि लीडर डेवलपमेंट एक कोलाज है ना। लीडर डेवलपमेंट एक कोई फिक्स करिकुलम नहीं है या एक फिक्स टाइम बाउंड जो है क्या नाम है करिकुलम नहीं है जिसको हमने पूरा कर लिया एक साल में, दो साल में। तो लाइफ लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। अगुआ जीवन भर सीखता है ना, और जीवन भर वो दूसरों को निर्माण भी करता है। सो सिंस क्योंकि ये एक जर्नी है ना, तो इसलिए एक अगुए को भी, जितना भी वो बड़ा लीडर क्यों ना हो, जितना भी सीजन लीडर क्यों ना हो, उसको भी निरंतर सीखने की जरूरत है ना, है कि नहीं? ये थर्ड प्रकार का स्ट्रेटेजी है। ओके, फोर्थ प्रकार का जो स्टडी है वो है द लीडर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कनेक्शन प्रिंसिपल इन डे टू डे जो है लाइफ। ये चौथा जो ये है और भी मैच्योरिटी का जो है स्थिति है, इसमें जो कनेक्शन प्रिंसिपल है, जो लोग लीडर सीखता है उसको कैसे वो अपने जीवन के व्यवहारिक क्षेत्रों में और दिन प्रतिदिन के दैनिक कार्यों में वो उसको लगा सकता है। सो दूसरे शब्दों में इट्स अ लाइफस्टाइल लीडर डेवलपमेंट, है ना। अब न सिर्फ हम सीखेंगे, लेकिन क्या होता है, अब ये हमारा जीवन शैली बन जाता है। और इसमें कई बार जरूरी नहीं कि ऑफिशियल तरीके से ही हो या शेड्यूल हो ना, इसमें चलते फिरते उठते बैठते आप सब कुछ जो कुछ वो करता है, उनकी जो लर्निंग जो कनेक्शन मॉडल में उन्होंने सीखा या कनेक्शन प्रिंसिपल सीखा है, उसको वो जाने अनजाने में क्या करता है, उसको वो व्यवहार में लाता है। और इसलिए हम कहते हैं कि ज्यादातर अगुए का जीवन में सीखना जो 80% सीखना है वो क्या होता है, वो इनफॉर्मली होता है। मतलब कई बार वो एक 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 फिक्स सेटिंग में नहीं होता है, सब कुछ क्लासरूम में नहीं होता है, लेकिन जीवन के अनुभव में, जीवन चलते फिरते उठते समय, है ना, उसके जीवन में निरंतर जो है बदलाव और निरंतर जो है इम्प्रूवमेंट, निरंतर जो है फ्रूटफुलनेस हम जो है देख सकते हैं। और जब खासकर जब वो दूसरे अगुओं को निर्माण कर रहा है ना, उससे भी वो सीखता है, अपने मिनिस्ट्री को कर रहा है, लीडरशिप को कर रहा है, और ज्यादातर जो है
जो डेवलपमेंट है या विकास है या ग्रोथ है 80% जो है वो जो है एक सिस्टमेटिक वे से नहीं होगा, वो जो है कई प्रकार के मिश्रण से जी से होगा जब वो इन सारी लर्निंग्स को अपने जीवन में क्या करता है, लागू करता है, है कि नहीं। तो ये चार प्रकार का जो है स्ट्रेटेजी है जो हमको इस्तेमाल करना, पहला क्या है इमर्जिंग लीडर्स के लिए फाउंडेशन है, दूसरा क्या है जो एग्जिस्टिंग लीडर्स हैं उनके लिए ऑनगोइंग ट्रेनिंग है, तीसरा जो हमने देखा शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग जो 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 सीजन लीडर्स ऑर्गेनाइजेशन हेड्स हैं तो उनके पास समय नहीं है लेकिन उन्हें भी सीखने की जरूरत है, और चौथी बात जो है ये है जब लीडर डेवलपमेंट जो प्रिंसिपल्स हैं जिसको हम कनेक्शन प्रिंसिपल कहते हैं, ये हम ना सिर्फ कुछ समय के लिए इस्तेमाल करते हैं लेकिन ये हमारा जीवन शैली हो जाता है, ये हमारा कल्चर हो जाता है, ये हमारा लाइफस्टाइल हो जाता है, और ऑफिशियली अनऑफिशियली हम दोनों दोनों तरीके और ज्यादातर अनऑफिशियली तरीके से भी हम क्या करते हैं इसको इस्तेमाल करते हैं, हम सीखते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, जो है हमारे अगुओं को बिल्ड करते हैं, हमारे मिनिस्ट्री में उपयोग करते हैं, हमारे फैमिली में, हमारे मैरिज में, हमारे चर्च में, ये एक तरह से जहां भी जिस कंटेक्स में भी है ये हमारा ऑनगोइंग जो है लाइफ स्टाइल हो जाता है। आपका क्या विचार है इन चार प्रकार के स्ट्रेटेजी में? ये तो बहुत अच्छा कि चार प्रकार के रूप में उसको बांटा गया है और ये हमारे लिए अपने पहचान को भी दिखा रहे और हम इस पे जरा सीखने की क्या बोलते हैं हौसला भी रखने के लिए लोग दिखा रहे क्योंकि हमको ऐसे सीखना है और बाकी लोग भी जान पाएंगे कि ये अच्छा है कि चार प्रकार के रूप में लिखा गया है क्योंकि एक ही साथ मिलावट कर देंगे तो थोड़ा समझ भी नहीं आता, लेकिन जो सबकाई में ऑलरेडी है और जो नया लीडर है चार नंबर के बारे में भी देखते हैं तो ये थोड़ा लग को और ज्यादा से ज्यादा उनको मन को आकर्षित कर रहा है। जी, और जैसा आपने कहा कि अल्टीमेटली हमारा पर्पस है कि ये प्रकार का जो कनेक्शन जो लर्निंग्स है वो एक लाइफस्टाइल लीड डेवलपमेंट हो जाएगा दोनों इमर्जिंग के लिए भी और एग्जिस्टिंग लीडर्स के लिए भी। अंत में हम चाहते हैं कि ये सिर्फ उसको उनको कि ये लीडर सोर्स का प्रिंसिपल है, लीडर सोर्स का लर्निंग है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं देखता हूँ कि आप में थोड़ा बहुत आईसीआर में मैं इस झलक को देखता हूँ कि जब आप कई बार आपका लाइव शेयर करते हैं और मुझे लगता है कि मैं देखता हूँ कि ये अब धीरे धीरे आपका लाइफ स्टाइल हो रहा है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है। और मतलब आप ना सिर्फ इमर्जिंग से हमने शायद शुरुआत किया 2 साल पहले, एग्जिस्टिंग चल रहा है, ऑनगोइंग भी चल रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अब आपका जो है ज्यादातर जो है लाइफस्टाइल लीडर डेवलपमेंट हो जा रहा है। आपका क्या विचार है? मैं सही देख पा रहा हूँ आपके आप जितना मैं आपको सुन रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आपके अनुभव से सीख रहा हूँ, क्या सोचते हैं आप? सर, यस सर, अभी हमारा जो आगे की ओर ये बढ़ रहा है ये आप सही देख रहे हैं। जी जी, और इसीलिए जब आप अपनी कहानी बताते हैं मुझे कोई आश्चर्य की बात नहीं होता क्योंकि जब हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा है तो हम ज्यादा फ्रूटफुल और ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल जो है हम हो सकते हैं, है ना, वनस्पत के हम जो ट्रेडिशनल तरीके से हम लीडर को बिल्ड करते हैं या स्वयं हम बिल्ड होते हैं। सो कैसा लग रहा है ये, कैसा, क्या आप एक्साइटेड हैं कि आप सही ट्रैक में हैं, सही जर्नी में हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। जरूर सर, जी, सही ट्रैक में हैं और सही जर्नी के साथ जी जी बढ़ रहे हैं। और जब हम यीशु मसीह के लीडर्स के लाइफ को हम देखते हैं, हमने देखा कि ऑफकोर्स यीशु मसीह ने उनको क्या किया, 3.5 साल उनको बिल्ड किया, लेकिन इसके बाद हम एक्स की किताब, प्रेरितों की किताब में हम क्या पाते हैं, जो बातें यीशु मसीह ने सिखाया क्या ये उनका जीवन शैली बन गया? जी जी नहीं, प्रेरितों के काम जो लिखा गया है उसी किताब में ज्यादा इफेक्टिव आया जी। और जो कई प्रकार के लोग हैं अपने अपने जो जो ऑक्यूपेशन था उनका एक काम था उसी काम को छोड़ के भी सेवकाई में सुसमाचार प्रसार करने में ज्यादा भीड़ गए उन लोग और उसी तरह मल्टीप्लाई होने लगे सेवक लोग प्रचारक लोग जी। सो हम प्रेरितों का में क्या देखते हैं कि जो कुछ यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया उन्होंने उनके वो उनका शैली बन गया, उनका कल्चर बन गया ना। तो उदाहरण के लिए यीशु मसीह ने उन्हें प्रार्थना करना सिखाया, है ना। तो क्या प्रेरितों का में हम पाते हैं कि वो चेले प्रार्थना करने वाले थे? जी जरूर देखते हैं प्रार्थना, हम क्या बात है उनके बारे में, कितना प्रार्थना करने वाले लोग थे? वो लोग ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करने वाले और टाइम के टाइम अनुसार प्रार्थना करने वाले और रात रात पर प्रार्थना करने वाले, प्रार्थना का बड़ा वहां पे। जी, वाओ,
अब देख रहे ना कि जो यीशु मसीह ने शुरुआत किया उन 3.5 सालों में उनके साथ, और जो कुछ उन्होंने सीखा, जैसा हमने कहा कि ऑफकोर्स इजी नहीं था, उन्होंने चैलेंजेस सीखा, उन्होंने खतरों से सीखा, उन्होंने रिस्क से सीखा, उन्होंने सेक्रीफाइस से सीखा, उन्होंने यीशु मसीह के वचन से सीखा, यीशु मसीह के लिए मॉडल था, उन्होंने करते हुए सीखा, है ना, 4 डायनेमिक वे से सीखा। लेकिन अब हम देखते हैं न्यू नियम में, नए नियम में अब ये उनका लाइफस्टाइल बन गया, ये उनका कल्चर हो गया, ये उनके लीडरशिप का DNA हो गया। जो कुछ भी उन्होंने सीखा वो सब कुछ उनका अब उनको क्या नाम है, जो कुछ भी वो कर रहे हैं, चाहे उनका लीडरशिप हो, चाहे उनका मिनिस्ट्री हो, चाहे उनका पर्सनल लाइफ हो, अब उनके जीवन शैली में ये सारी बातें झलकती हैं। ठीक है, तो अल्टीमेट हमारा पर्पस ये है कि जो कुछ हम सीख रहे हैं वो सिर्फ एक 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 3 साल के कोर्स के लिए ना हो। जब हम जैसे हम ट्रेडिशनल स्कूल में जाते हैं, ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं, जब तक वहां रहते हैं तब तक वो ठीक रहता है, हम एक्साइटेड होते हैं, लेकिन उसके बाद जब जाते हैं उसको हम किताब कॉपी को हम कहाँ रख देते हैं, सर पे रख देते हैं, वो सिर्फ एक डिग्री के लिए, एक 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 रिकॉग्निशन के लिए करते हैं। बट होपफुली ये कनेक्शन लर्निंग जो है, कनेक्शन प्रिंसिपल है, ये सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं होगा, ये हमारा जीवन शैली होगा, ये हमारा कल्चर होगा, ये हमारा वे ऑफ लाइफ होगा। आपका 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 विचार क्या इस विषय में, क्या आपके साथ कभी मान लीजिए हमारे क्लासेस नहीं होंगे, क्या आप इस प्रकार से जीना बंद करेंगे, क्या सोचते हैं, आपका लीडरशिप में अंतर होगा? जी नहीं, क्लास नहीं होने से भी जो शिक्षा पाए हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे अंदर वो रिवाइवल है वो ले चले। आमीन, आमीन। एंड ये हमारा उद्देश्य है कि अल्टीमेटली आप और मेरा जीवन में जो कुछ भी हम सीख रहे हैं परमेश्वर के वचन में, अगुओं के विकास के संदर्भ में, ना कनेक्शन प्रिंसिपल को, और ये हमारा लाइफस्टाइल होगा, ये हमारा जीवन शैली होगा, ये हमारा DNA होगा, एक लीडर का DNA होगा, ये हमारा कल्चर होगा, है ना। और इस प्रकार से, और अगर इस प्रकार से हम जिएंगे तो आप हम क्या हो सकते हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हम कितना इफेक्टिव होंगे, कितना फ्रूटफुल होंगे, हम कितना जो है लोगों को निर्माण कर सकते हैं, इसका आउटकम बिल्कुल अलग होगा। प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक हमने ट्रेडिशनल तरीके से जिया है ना, ट्रेडिशनल तरीके से हमने लीडरशिप किया है, हमारा मिनिस्ट्री किया है, लेकिन जब हम इस प्रकार से होलिस्टिक तरीके से करते हैं, जहां पर हम ग्रोथ ना सिर्फ हमारा कॉम्पिटेंसी में हम ग्रोथ देखते हैं, लेकिन हमारे उन 5 एरियाज में ना, रिस्क में, कम्युनिटी लाइफ में, लीडर का इंटीग्रिटी में, लीडर का पर्पस में, लीडर का कॉम्पिटेंसी में, जब हम ग्रो करते हैं और हम दूसरों को भी निर्माण करते हैं, वाह, हम सामर्थ्य अगुओं को तैयार करते हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए हम ऐसा कर पाएंगे। और हो सकता है कि ये हमारा ही लाइफस्टाइल नहीं होगा, लेकिन हमारे साथ जो है उनका भी लाइफस्टाइल होगा, और ये जो है नेक्स्ट जनरेशन को में भी जो जाएगा, और आगे ये चलता ही चला जाएगा, तो इसलिए ये बहुत एक्साइटिंग है। आपका विचार क्या है इस विषय पर, बाकी लोग, प्रेम भाई के अलावा और भी लोग, आप एक्साइटेड हैं? यस सर। जी, क्या होगा अगर ये हमारा जीवन शैली बन जाए, ये हमारा अगर पहचान बन जाए, ये हमारा तरीका बन जाए, ये हमारा कल्चर बन जाए, संस्कृति बन जाए, क्या होगा? जो हम सीख रहे हैं अगर वही उसी प्रकार से अगर हम ढल जाते हैं, डेप्थ हो जाते हैं, क्या होगा? पूरा ICR में अगर इस प्रकार का बात हो जाए तो क्या होगा? देख पा रहे हैं आप? हम कल्पना भी नहीं कर सकते ना कि परमेश्वर कितना फल हमारे जीवनों में, सेवकाई में, अगुवाई में हम देख सकते हैं, कितना प्रभाव हम ला सकते हैं, कितना बड़ा इम्पैक्ट हम लेके आ सकते हैं, ना सिर्फ उड़ीसा में लेकिन उसके बाहर भी। आमीन। मैं चाहता हूं कि आप एक्साइटेड हो, है ना, लेकिन एक्साइटमेंट जो है सिर्फ सिर्फ इसके लिए नहीं कि हम कुछ सीख रहे, लेकिन एक्साइटमेंट की इम्पैक्ट हम क्या कितना ला सकते हैं हमारे इस जीवन शैली के द्वारा, जो हम सीखते हैं अगर हम उसको जीते हैं, इतना बड़ा प्रभाव हम ला सकते हैं। ओके, अंत में
मैं आपके साथ मे बी नेक्स्ट वीक में मैं कंटिन्यू करूंगा, लेकिन जल्दी से ओवरव्यू देना चाहता हूं. सिक्स स्टेप्स ऑफ डिजाइनिंग अ प्रोसेस, एक प्रोसेस की प्रक्रिया को डिजाइन करने के लिए छह प्रकार के कदम स्टेप्स जो है जरूरी है. सो पहला क्या है, हमको एक क्लियर गोल चाहिए, ठीक है. हमें हमको, और जैसे हमने कहा, जब हमारा बिल्डिंग हेल्दी लीडर्स का गोल क्या है, हेल्दी लीडर का गोल क्या है, या लीडर डेवलपमेंट का गोल क्या है, किस प्रकार के लीडर हम बनाना चाहते हैं, बोलिए. एक लीडर डेवलपमेंट का गोल क्या, अगुओं को निर्माण करने का लक्ष्य क्या है, अल्टीमेट लक्ष्य क्या है, क्यों क्यों हम अगुओं को बनाते हैं, सुन पा रहे मुझे, सुन पा रहे, सर सुन पा रहे, बाकी भाई लोग बोलेंगे इसलिए मैं. अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, और भी लोग बोले, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ पास्टर प्रेम तो पार्टिसिपेट करे, लेकिन आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पास्टर प्रेम आप भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है. सो लीडर डेवलपमेंट का गोल क्या है, क्यों अगुओं को क्यों निर्माण कर रहे हैं, हम क्या देखना चाहते हैं उनमें. लीडर डेवलपमेंट में परमेश्वर हमको 5C इसमें हम जो दिए हैं पाए हैं, गोल प्रोसेस डिजाइन जो भी मिले हैं 40 है जी, और कि परमेश्वर की राज्य की राज्य के लिए परमेश्वर हमको उसकी कलिसिया क्योंकि एक स्वस्थ नेता को चाहती है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हमको जो प्रिंसिपल दिया गया है 17-18 प्रिंसिपल उसमें से उनको बनाए और प्रभु के राज्य के लिए उनको, क्योंकि पहले जो हमारे ट्रेडिशनल था वो उतना इफेक्टिव नहीं. यस, इसलिए प्रभु के राज्य के लिए ही, प्रभु की. जी जी, सो हमारे पास एक बहुत क्लियर गोल है कि नहीं सर. पहले हम किसी को अगुवे बनाते थे लेकिन हमें मालूम नहीं कि हम किस प्रकार से अगुवे बना रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, क्यों बना रहे हैं, हमने ठीक से डिफाइन नहीं किया था. लेकिन कनेक्शन मॉडल हमें मदद करता है कि हमारे पास एक क्लियर गोल है. हमारा गोल क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन. हमारा गोल क्या है, हेल्दी लीडर. हेल्दी लीडर का मतलब क्या है, 5 बातें, 5C. इसलिए हमारे पास बहुत ही क्लियर गोल है कि नहीं. अब हमें मालूम है हम कहाँ जा रहे हैं. पहले हमें मालूम नहीं था, हम चल रहे थे लेकिन हमें मालूम नहीं हम कहाँ जा रहे हैं और हम जब कहाँ पहुंचेंगे. नाउ हमारे पास क्लियर गोल. ओके, सो वी नीड, फर्स्ट थिंग है हमें क्लियर गोल चाहिए. दूसरी बात, हमें क्या चाहिए, एक होलिस्टिक प्रोसेस चाहिए, जिसको हम 4 डायनेमिक बोलते हैं, है ना. 4 डायनेमिक प्रोसेस चाहिए, जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों को 4 डायनेमिक वेज में उन्होंने बिल्ड किया. 4 डायनेमिक क्या है, स्पिरिचुअल है, रिलेशनल है, एक्सपीरियंशियल है और इंस्ट्रक्शनल है. ओके, थर्ड जो है कॉम्पोनेंट जो है हमारा प्रोसेस का, जो थर्ड स्टेप है वो है डिजाइन इटसेल्फ. हम डिजाइन करते हैं, डिजाइन गोल क्या है और किस प्रकार का प्रोसेस है उसको मिला के हम डिजाइन करते हैं. सिंपल डिजाइन हो सकता है, कॉम्प्लेक्स डिजाइन हो सकता है ना. जैसे हमने देखा परमेश्वर ने भी डिजाइन किया और हम भी डिजाइन कर सकते हैं उनके लिए जो जिनको हम निर्माण कर रहे हैं या जिसको हम निर्माण करना चाहते हैं. फोर्थ जो फैक्टर्स है, हमारे पास कौन से लोग होंगे, इंटेंडेड पार्टिसिपेट कौन से लोग होंगे. ये बच्चे, यंग लोग होंगे, इमर्जिंग लीडर्स होंगे, एग्जिस्टिंग लीडर्स होंगे, वुमेन होंगे, गांव के लोग होंगे, सिटी के लोग होंगे, एजुकेटेड लोग होंगे, अनएजुकेटेड लोग होंगे. ये भी हमको जो है क्लियरली हमको जो है सोचना है, हमारे पार्टिसिपेंट कौन होंगे, ठीक है. तो ये महत्वपूर्ण फैक्टर है चौथा. और नेक्स्ट जो है चौथा स्टेप में ही हमारा आउटकम क्या है, हम क्या चाह रहे हैं, जिनको हम निर्माण कर रहे हैं क्या होगा उनके साथ, उनका प्रभाव क्या होगा, क्या वो एक ब्लॉक में प्रभाव लाएंगे, क्या एक वो डिस्ट्रिक्ट में प्रभाव लाएंगे, क्या वो एक प्रांत में प्रभाव लाएंगे या राष्ट्र में प्रभाव लाएंगे, ठीक है. हम क्या देखना चाहते हैं कि अल्टीमेट उनका इम्पैक्ट, उनका प्रभाव क्या होगा, कितना बड़ा होगा, कितना व्यापक होगा, ठीक है. और देन हमारे पास रिसोर्सेस क्या, अवेलेबल रिसोर्सेस हमारे पास क्या है, हमारे पास संसाधन क्या है, क्या है जिनसे हम उनको बिल्ड कर सकते हैं, कौन से मटेरियल है, जो है लर्निंग कॉन्टेक्स्ट क्या है, लर्निंग कम्युनिटी क्या है, कौन है ना, लोग हैं, संसाधन है, सारी चीजें हमको देखना पड़ेगा ना.
सो ये भी हमको क्लियरली करना, चौथा स्टेप में। पांचवें स्टेप में क्या करना पड़ेगा, हमको स्पेसिफिक डिजाइन करना पड़ेगा इस लर्निंग एक्सपीरियंस को, हमको उनको उनके लिए क्रिएट करने के द्वारा। अब चूंकि हमें मालूम हो गया हम किनके लिए हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा प्रोसेस क्या है, डिजाइन क्या है, कौन से लोग होंगे जिनको हम निर्माण करना चाह रहे, तो अब उनसे उनसे रिलेटेड जो है डिजाइन हमको करना पड़ेगा। अगर हम इमर्जिंग लीडर को हम कर रहे हैं तो हमारा डिजाइन क्या होगा, क्या बहुत हाई होगा या फाउंडेशन होगा, हमारा सिंपल होगा, फाउंडेशनल डिजाइन होगा, हमारा सरल डिजाइन होगा, है कि नहीं। तो जिस प्रकार के लोग है उस प्रकार का हमारा कॉन्टेक्स्ट भी होगा। और पांचवा जो है अब हम क्या कर रहे हैं, हम खुलाज को बिल्ड कर रहे हैं, अब हम विभिन्न अनुभवों को मिलाकर उनके लिए लर्निंग एक्सपीरियंस को हमारा, जिसको हम एक बोलते हैं मैप क्रिएट हम कर रहे हैं, जिससे क्या होगा एक अगुआ जो भी उभरता हो एग्जिस्टिंग जो है अगुआ हो उसको क्या करके उसको अब हम जो है जो हमारा जो जो है खुला जो है लर्निंग एक्सपीरियंसेस है जो है इसको मसाला भी कह रहे हैं, अब हमको इस यात्रा में हम उनको शामिल करेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये गोल से शुरुआत होता है और उसके बाद कॉम्प्लेक्स जो है डिजाइन में, यानी कि जो है जिसको हम मसाला कह रहे हैं या कुलाज कह रहे हैं वहां पर अंत होता है। और इस प्रकार से जब हम लीडर डेवलपमेंट को करते हैं तब हम पाएंगे कि जो है ये बहुत इफेक्टिव है, ये बहुत ही जो है डूएबल है। ऑफ कोर्स आसान नहीं है, हार्ड वर्क है, मेहनत है, परिश्रम है, थिंकिंग है, परमेश्वर पर निर्भर है, प्रार्थना है ना, और बहुत ही कई चीजें नया चीजें ट्राई भी करना है ना, कई चीज काम नहीं भी करेगा लेकिन कुछ कुछ काम करेगा, लेकिन सारा मिश्रण है जिसके द्वारा हम जो है ये लीडर डेवलपमेंट जो है प्रोसेस जो है हम बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक में हम और डिटेल में हम इसके बारे में देखें, लेकिन आज के बारे में आपका क्या विचार है, कुछ इनपुट आपका जो आज हमने सीखा कि लीडर डेवलपमेंट जो है एक कोलाज है, अगुओं को तैयार करना, अगुओं नेतृत्व विकास, ये एक सिंपल फॉर्मूला नहीं है, सिंपल स्टेप्स नहीं है, बहुत आसान पद्धति नहीं, ये एक मिश्रण है, एक कोलाज है, एक मसाला है, इसमें कई प्रकार के अनुभव से एक अगुए जो है निर्माण होते हैं। आपका विचार